नमस्कार मित्रों मित्रों, आज मैं यादव समाज पर लिखी गई दो नई और किताबों के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है यदुवंश समुद्भवा और यदुवंश समुद्भवा से राधिका। और दोनों किताब यादव समाज के उस अस्तित्व और स्वाभिमान को पुनः स्थापित करती है, जिन्हें पौराणिक ग्रंथों में यदा कदा अस्तित्वहीन बनाने का भरसक प्रयास किया गया, जबकि मूल पौराणिक ग्रंथों में इनके अस्तित्व के सर्वोच्चता को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। और इन्हीं सभी आक्षेपों और प्रक्षेपों का सही एवं तार्किक जवाब लेखक श्री यादव योगेश कुमार रोही तथा संपादक एवं लेखक इंजीनियर माता प्रसाद ने इस किताब में कुल 21 अध्यायों में दिया है, जिसमें पहला अध्याय यादवों का वंश प्रवर्तक और यादव शब्द की उत्पत्ति है। इसी क्रम में चौथे अध्याय में अहिर जात का वर्णन है और अंतिम अध्याय 21वां में भागवत धर्म का स्वरूप भाग प्रथम एवं द्वितीय है। इस प्रकार से देखा जाए तो यदुवंश संहिता के जो 21 अध्याय हैं, ये सभी अध्याय यादव वंश, श्री राधा एवं माधव आदि का संपूर्ण जीवन परिचय, अहिर, गोप, ग्वाल, नंद एवं वसुदेव इत्यादि के साथ ही दास और असुर में भेद, ठाकुर शब्द की उत्पत्ति और यह शब्द किस जात के लिए सर्वप्रथम आया तथा परशुराम एवं शस्त्रबाहु के बारे में वास्तविक स्थिति इत्यादि का संपूर्ण तार्किक समाधान है। इसके अलावा गोपों की वीरता के साथ साथ इसके सप्तम अध्याय तो और भी ज्ञानवर्धक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस तरह से साजिश करके यादव गोप अहिर को एक दूसरे से अलग करने का भरसक प्रयास किया गया, जिसका प्रमाणित एवं तार्किक जवाब इस अध्याय में है। और सर्वविदित है कि माता गायत्री एक अहिर कन्या थी, किंतु उन्हें ब्राह्मणी बनाने के लिए कुछ वर्गों द्वारा कितनी साजिश की गई, इसका भी समाधान अध्याय 20 में है, जो इस किताब का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे हर यदुवंशियों को जानना एवं समझना आवश्यक है। इसी तरह से एक छोटी सी किताब से राधा जी के संपूर्ण जीवन पर लिखी गई है, जिसका नाम है यदुवंश समुद्भवा से राधिका। जैसा कि सर्वविदित है कि राधा जी को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि राधा जी कौन थी, उनका वंश, जाति एवं कुल क्या है, इन सभी के बारे में इसमें प्रमाण सहित एवं तर्कपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। देखने में तो यह छोटी अवश्य है, किंतु यह अहिर समाज के लिए सबसे बड़ी किताब है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन किताबों का मूल्य क्या है तथा यह कैसे उपलब्ध होगी, तो इस संबंध में लेखक महोदय स्वयं ही इन किताबों की कुछ विशेषताओं को बताते हुए इनके मूल्य तथा इन्हें प्राप्त करने के बारे में बताए हैं, उसे सुन लीजिए। जय श्री राधे। यादवों के इतिहास पर सदियों से पुस्तकें लिखी गई, परंतु अधिकतर जो पुस्तकें थी वो एक दूसरे की कॉपीराइट थी, क्योंकि जिसने जो लिखा उसी को कॉपी करके दूसरे ने लिख दिया। सत्य पूछा जाए तो यादवों के इतिहास पर गहराई से किसी ने विश्लेषण नहीं किया, और फिर हमारा जो इतिहास है यादवों का वो संस्कृत में लिखित पुराणों पर है। अब पुराण पढ़ना उसी के लिए संभव है जो संस्कृत जानता है, तो अधिकतर हमारे भारत में जितने भी जो लोग हैं वो संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दे भी नहीं रहे, और इसी कारण से लोग संस्कृत से और संस्कृति से वंचित होकर के हमारे जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनसे बहुत दूर चले जा रहे हैं। यादवों के इतिहास को खनन करने का और उसे अनुसंधान करने का जो हमने बीड़ा उठाया, उसमें हमारे सहयात्री बहुत से लोग रहे। वर्तमान में हमने जिनके साथ यदुवंश संहिता और यदुवंश समुद्भवा राधा जी के चरित्र पर आधारित जो पुस्तक प्रकाशित की है, उसमें माता प्रसाद जी हमारे साथ सहयात्री के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और मैं ये मानता हूं जैसे सारथी और महारथी दोनों मिलकर के युद्ध की पृष्ठभूमि पर उतरते हैं और युद्ध को फतह करते हैं, युद्ध को विजित करते हैं, उसी प्रकार से हम दोनों ने इस यादव समाज के इतिहास को समाज के समक्ष लाने के लिए
जो पुस्तकें प्रकाशित की और जो लेखन कार्य में जो हमारा सहयोग इन्होंने किया, तो ये केवल इन्हीं के द्वारा संभव इसलिए हो सका, क्योंकि अगर ये हमारे साथ ना होते तो समाज में ये चीज़ कभी नहीं आती। तो हम दोनों पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं कि ये यदुवंश संहिता ये यादवों के उस पौराणिक साक्ष्य पर आधारित हैं और जिसके बारे में सदियों से हमारे समाज के लोग अनभिज्ञ रहे हैं। हमने केवल उनकी अज्ञानता के निवारण के लिए यह परिश्रम किया और यह भगवान कृष्ण की हम पर महती कृपा है, अहेतु की कृपा है कि उन्होंने हमारे द्वारा इस कार्य को संपादित किया। यह दूसरी पुस्तक यदुवंश समुद्रगा राधिका, ये राधा जी के चरित्र पर आधारित है। बहुत से लोग राधा जी के चरित्र को नकारने की बात करते हैं, उनके अस्तित्व को प्रक्षेप मानते हैं, कृष्ण के साथ उनका क्या सहभागिता थी और क्या भूमिकाएं थी इस बारे में लोग नहीं जानते। संप्रदाय विशेष के लोग राधा जी के विषय में तो ये कहते हैं कि राधा जी नाम की कोई पात्र ऐतिहासिक रूप से थी ही नहीं, ये काल्पनिक पात्र। तो हमने इन सारी मान्यताओं का खंडन करते हुए यह पुस्तक निकाली है शास्त्रों के एविडेंस और उनके साक्ष्यों के आधार पर, तो ये सिद्ध करेगी कि राधा जी वास्तव में कृष्ण की आदि शक्ति थी और एक वैष्णवी शक्ति थी और उनका अस्तित्व यथावत रूप से था। तो दोनों पुस्तकें जो हैं वर्तमान में उपलब्ध हैं और इनकी जो कीमत निर्धारित की गई है वह आधुनिक काल की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि पहली बात तो यह है कि किताब प्रकाशित कराना बहुत ही कठिन कार्य है, उसमें बहुत आर्थिक व्यय होता है। फिर भी जनसाधारण को ध्यान में रखते हुए दोनों मूल्यों को जो हमने विचार विमर्श किया कि इनका मूल्य कितना निश्चित हो, तो ये 600 रुपये है। दोनों पुस्तकों का जो मूल्य है 600 रुपये है और इन किताबों को खरीदने के लिए विशेष रूप से हमसे संपर्क करें, हमारा जो नंबर है 8077160219। तो ये सारी प्रक्रियाएं समाज के लिए हैं और समाज का जब सहयोग मिलेगा तो आगे भी हम अपने मिशन को, अपनी विचारधाराओं को क्रियान्वित करते रहेंगे। वैसे फेसबुक पर योगेश रोही के नाम से आप हमको फॉलो करें तो वहाँ पर भी हम अपना पौराणिक चिंतन जो है वहाँ प्रस्तुत करते रहते हैं और आपके प्रश्नों का हम उत्तर यथावत देते रहेंगे। आप हमसे संपर्क करेंगे इस नंबर पर और इस विचारधारा के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से हमें ऐसे प्रश्नों को प्रेषित करेंगे जिससे हम उनके उत्तर ढूंढ के लाएं। तो किताबों के बारे में केवल हमारा यही कहना है कि ये दोनों पुस्तकें वर्तमान में उपलब्ध हैं, आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं अपना डाक पता दे करके। जैसी भी व्यवस्था होगी हम प्रयास करेंगे कोरियर के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा आपके पास हम पहुँचाएंगे। जय श्री राधे। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किताब की जानकारी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि हमारा समाज इस किताब से अवश्य ही लाभान्वित होगा और होता रहेगा। तो मित्रों, यह जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।